Hey guys, good morning. तो कैसे आप सब लोग, आई थिंक सभी ठीक होंगे। और जिसने अभी तक मेरी पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ जाके पहले पुरानी वीडियो देखें। और श्री नैना देवी मंदिर के व्यू बहुत ही अच्छा था तो मैंने वीडियो बनाई है, बहुत अच्छी वीडियो बनी है, जाके ज़रूर देखना। तो आज है 12 अप्रैल, तो अभी मैं खेत जाने से पहले ये कागज़ वगैरह है जो पोली हाउस के थे, ये हमने पैक करके अब इसको अंदर मैंने स्टोर रूम में रखना है। पहले इसको रखते हैं फिर चलते हैं उसके बाद खेत। तो अभी मैं हूँ खेत में, तो अभी आपको दिखाता हूँ कि कनक वगैरह कैसे, कटिंग तो आपको दिखा दी थी, उसको बाना कैसे जाता है और परियां किधर बनाई जाती हैं, मतलब परियां बना दिखा देता हूँ आपको। और ये रहा कनक वाला खेत जो आपको दिखाता था मैं रोज़। तो ये हवा चल रही है, आज बारिश वाला थोड़ा मौसम हो रखा है। और ये रही कनक, तो आ रही परियां, इन्हों कहते परी। और ये शुभा जो हाथ से बनाया मैंने दिखाया था आपको, ये भारी बहुत होता है भाई, ये भी काफ़ी भारी है। ये एक सगह जगह इकट्ठी कर लेंगे। और टिटीरी बैठी हुई है देखो वहाँ पे, मेरे को लगता है ये यहाँ पे अंडे देगी, ये अंडे ऊपर में देती है। चलो टिटीरी के पास देखते हैं क्या अंडे दे रही है या ऐसी बैठी हुई है। मेरे को लगता है यहाँ पे ये जगह बना रही है। चलिए अब ये देख रही है कहाँ बैठू खाना ही। और ये हो रही है कटिंग इसकी। तो आधे से ज़्यादा इन्होंने खेत का वो सारा बांध दिया है, तो ये खुले छोड़े हुए हैं क्योंकि ये सूखने के लिए थोड़ी देर, ये थोड़ा सा इसको हवा लग जाए और अच्छी तरह सूख जाए। कल उनको खुल के ऐसे ही छोड़ दिया था, आज ये कटिंग की है इसको छोड़ दिया है, आज उधर कर रहे हैं वो कर दिया उन्होंने, उसको भी छोड़ देंगे ऐसे ही। उसके बाद ऐसे इसके सारे इसको बांध के रख देंगे ऐसे। शहरों से खाण नहीं मिलते और साढ़े इदा वेस्ट हो रहे। दूध देखते मंजा कैसे भर चुका है, बहुत ज़्यादा है, रोज़ के रोज़ उठा के फेंकने पड़ते हैं। और पूरा पेड़ भी अभी तक भरा पड़ा है, बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं इसको, देख सकते हो कितने लगे हुए हैं। तो बाबा शिमला मिर्च से घास निकाल रहे हैं और शिमला मिर्च को छोटी छोटी शिमला मिर्च लग चुकी है, क्योंकि हाईब्रिड को जितनी आप खाद वगैरह डालोगे और उतना ही अच्छा फल देता है। और अभी इतने इतने पौधे हैं और उसको इतनी इतनी शिमला मिर्च लग चुकी है। चलो दिखाते हैं आपको ये छोटा छोटा जो पौधा होता है उसको कितनी अच्छी शिमला मिर्च लगी हुई है। बाबा राम राम, राम राम, ठीक हो? ये देख सकते हो, क्योंकि हमारे इलाके में ना यहाँ पे शिमला मिर्च अच्छे से होती नहीं है, बट हम तो इसकी सीड्स वगैरह वो प्लांट्स वगैरह रेडी करते हैं, तब भी एक किलो हमने इसको कितनी खाद डाली हुई है। छोटे छोटे पौधे को ही ये मतलब शिमला मिर्च लग चुकी है और ये कोई स्प्रे वगैरह नहीं की इसको हमने। ये देखो कितना अच्छा फल लगा हुआ सभी को, ये वाइट वाइट फूल आ चुका है जिनको, उनको भी लगने वाली है। और ये तो कितनी बड़ी हो चुकी है। और इन दो क्यारे में हमने मतलब सीड्स वगैरह लगाए हुए थे शिमला मिर्च के, तो अभी तो हमने ये नए इधर लगा दिए हैं, पुराने को हमने इसमें से जो घास वगैरह निकाल के और इसमें से छांट बची हुई है, मतलब पहले इसमें से सारे पौधे निकाल लिए हैं, तो जो बच्चे हैं हमने अपने यूज़ के लिए रख लिए हैं। इसको खाद वगैरह डालेंगे अब, फिर पानी देंगे। और शिमला मिर्च को जितना पानी देख सकते हो उतना अच्छा रहता है। और गाँव में चारों तरफ कनक 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 का काम चल रहा है, चारों तरफ जिधर भी देखो उधर कनक। ये कनक आपको मैंने दिखाई थी, अब कटिंग हो चुकी है इसकी। और ये देख सकते हो गोल्डन कलर की तूड़ी, ये तूड़ी ये कनक के साथ बनती है। और यो हमने डंगर वगैरह रखे होते हैं, जैसे भैंस होगी गायें होगी, उनके लिए यूज़ होती है। इसमें हरा घास डाला जाता है और उनको दी जाती है। तो बाबा ने इस पे पेड़ पे टांगा हुआ अपना टिफिन, तो मैं इसको हिलाऊंगा तो देखना दूध कितने ज़्यादा नीचे गिरेंगे अब। और मैंने इसको यहाँ से पकड़ लिया है ऊपर से और इसको ज़ोर से हिलाऊंगा, देखना अब कितने ज़्यादा गिरेंगे। ये तो एक पेड़ के हैं, मैं इस कारण इसको झाड़ रहा हूँ क्योंकि बहुत ही ज़्यादा अब चिपचिपन नीचे हो जाएगा, मंजा भी ख़राब हो जाता है। ये देखो कैसे भर चुका है, पूरा पूरा बेड़ा भर चुका है इससे हाथ।
ब्लैक वाइट, ब्लैक वाइट। और यहाँ बैठने का ये दिक्कत होती है कि तूत ऊपर से गिरते हैं और कपड़े खराब हो रहे हैं बहुत ज्यादा, तो अभी मैंने इसको यहाँ पे सफाई की है थोड़ी बहुत, अभी अच्छा लग रहा है देखने को। तो मम्मी ने दही को टेस्टी बनाने के लिए उसमें प्याज, टमाटर और काली मिर्च, नमक डाल दिया है, और बनी हुई है आज हमारे मूली की भुर्जी। खाना खाते हैं फिर चलते हैं खेत को। तो आज थोड़े बादल भी हो रखे हैं, बट बारिश ना हो ताकि किसान की जो फसल वगैरह सो बच पाए। पिछले साल तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका था, मतलब नुकसान हो गया था। तो अभी ये बिहार से सभी आए हुए हैं कनक का सीज़न लगाने के लिए। तो ये कनक अब परसों की ऐसी पड़ी हुई है, तो ये सूख चुकी है और ये अभी इसको बांध रहे हैं। ऐसे ये बांध देते हैं इसको परी। टूट गया आराम के साथ। पिछली बार बहुत ही ज़्यादा मतलब सस्ती थी तूड़ी वगैरह, इस बार बहुत महंगी होगी क्योंकि पिछली बार लॉकडाउन था तो सभी ने अपनी अपनी कनक खुद से काटी और फिर तूड़ी वगैरह रख ली अपने अपने घर, तो ज़्यादा तूड़ी संभाल नहीं पाए, तो कईयों ने कवैन के साथ कर दी भाई, मतलब निकाल ली। नहीं चुभता है? नहीं चुभता, मेरे तो यार आते चुभ गया दो बार। आपसे मोहब्बत थोड़ी करता है? अच्छा, मेरे से मोहब्बत नहीं करता ये, आपसे मोहब्बत करता है। हम लोग हमेशा रहते हैं इसके साथ में। अच्छा, तभी नहीं आपको काटता है? तभी नहीं काटता है, मेरे को काट लिया है। आप पहली बार आए हो ये तो है, ये कनक का ये है ना डक्खा था ये वाला, ये चुभ गया मेरी पैर में, इनके नहीं चुभता है, कहते मेरे से मोहब्बत करता है। बारिश वाला मौसम तो हो गया है, देखो अब होती है या नहीं, बट होनी नहीं चाहिए, नुकसान हो जाएगा बहुत, है ना। देखो ये कटाई करते हैं, इसमें खतरा तो होता है मतलब सांप वगैरह का, और देखो यहाँ पे ये सांप की खल पड़ी हुई है जो उतारता है ऊपर से, ये पड़ी हुई है जितनी बड़ी पड़ी हुई है, ये बाहर निकाला इसको मैंने, कितनी लंबी है देखो। तो अभी मैं छोड़ने वाला हूँ पानी, पाइप मैंने खेत में अलग अलग जगह रख दी है, तो अभी लगाते हैं, इंजन स्टार्ट करते हैं, और गर्मी बहुत ज़्यादा हो चुकी है क्योंकि हवा बंद हो चुकी है अभी। और इन पाइप से होते हुए वहाँ से पानी यहाँ तक खेत में अभी पहुँच चुका है, अभी तो पानी गर्म होगा क्योंकि पाइप धूप में थी और उसमें जो पानी है वो गर्म हो चुका होगा, तो इधर पानी छोड़ा हुआ है, तो एक साइड वो है, तो एक साइड वो, वहाँ पे तीन जगह, और मौसम देख सकते हो ये पानी आ चुका है अब। लो भी मित्रों, मशीन बंद हो गई है, धूड़ थोड़ी बैठी है, तो हम चलते हैं अपना घरों। तो अभी घर में आके मैंने मुंह धोया, उसके बाद चेंज किया और शॉर्ट्स पहने हैं, तो अभी करते हैं पोहे की तैयारी। सबसे पहले प्याज टमाटर वगैरह काटता हूँ और जिंजर वगैरह, तो ऐसे बनेगा पोहा जल्दी से जल्दी। तो अभी मैंने दो प्याज ले लिए हैं, सबसे पहले इसको अब काट लेते हैं। टमाटर एक ही काफ़ी है क्योंकि बहुत बड़ा टमाटर है, इसको काट लेते हैं अब। तो अभी मैंने टमाटर, प्याज और अदरक काट लिया है, चलो अब इसके साथ करते हैं तुड़की की शुरुआत। इधर मैंने ऑयल डाल लिया है जो कि रिफाइंड है, तो गैस ऑन कर दिया है, तो इसमें अभी थोड़ी देर पहले सेक मतलब गर्म हो जाए अच्छी तरह, तो इसमें डालते हैं अब जीरा। तो उससे पहले मैं डालूंगा पोहा, इसमें थोड़ा सा पोहा डालूंगा, पोहा मतलब दो मिनट तुड़के से पहले ही रखना है बस पानी में डाल के। इतना सा मैंने पोहा ले लिया है और उसमें डाल देंगे हम थोड़ा सा पानी ताकि अच्छी तरह ये भीग जाए,
बस बहुत है। थोड़ा सा इस पर डालेंगे थोड़ा सा नमक, और थोड़ा सा हमने डाल दिया है अब जीरा, जीरे के साथ में डाल देंगे प्याज। तो प्याज हल्का हल्का ब्राउन होना स्टार्ट हो गया है, तो इसमें डालेंगे अब टमाटर। मिर्च नहीं मैंने डाली, अब इसमें हल्की सी हल्दी डालेंगे, हल्की सी हल्दी डाल दी, हल्की सी लाल मिर्च और हल्की सी सूखी मिर्च। इधर मैंने पोहे में से पानी निकाल दिया है और पोहा हो चुका है। तो सबसे पहले अब डालते हैं, उधर मैंने अभी सॉस वगैरह भी डालनी है इसमें, रेड सॉस डालते हैं इसमें, टमाटर सॉस वगैरह। तो हल्की सी डालेंगे रेड चिल्ली, ये डाल दी मैंने हल्की सी, हल्की सी डालेंगे सोया सॉस, और थर्ड नंबर पर डालेंगे थोड़ी सी सॉस, हल्की सी डाली मैंने। तो तीनों को कर देते हैं अब मिक्स। और लास्ट में इसमें डालूंगा मैं हल्का सा गरम मसाला। अब इसमें हल्का सा पानी ऐड करूंगा मैं, हल्का सा। अब ये हो चुका हमारा मसाला रेडी, और डाल देंगे इसमें अब हम पोहा। ये हमारा पोहा हो चुका है रेडी, थोड़ा सा ना टाइट टाइट सा बन गया है। तो अभी हमने मम्मी के लिए बना लिया है पोहा, तो चलो मम्मी को देते हैं अब। हेलो मम्मी, पोहा कैसा हो? खा गए उसके तरह बने, बढ़िया है। तो कड़ा कड़ा ही बन गया। अच्छा मसाला कुछ तेज तो ही नहीं पाया मैं, हल्का ही पाया, ठीक है बढ़िया है। तो आज थोड़ी ड्राइंग रूम की लुक चेंज है, क्योंकि यहाँ पे मम्मी ने मंजा डाला था, चार पाई कहते हैं जिसको, और कवर के बिना सोफे कितने अच्छे लगते हैं ना। तो गाइस पोहा बन चुका है, मम्मी को पसंद आया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलें। और माता रानी का मंदिर बहुत ही अच्छा सजा हुआ था, तो जाके पिछला ब्लॉग देखना ना भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, अगर पोहा अच्छा बना हो तो ज़रूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखना, दिल से धन्यवाद। तो बाय बाय, आज के लिए इतना ही।